वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शिरकत करने दावोस पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर से आए कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि भारत का मतलब व्यापार है। पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार के लिए इन अधिकारियों को भारत में मौजूद अवसरों की जानकारी दी। एक राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की विकास गाथा सुनाई। इस मौके पर पीएम के साथ विजय गोखले, एस जयशंकर और रमेश अभिषेक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इंडिया मीन्स बिजनेस टैग लाइन के तहत हुए इस राउंड टेबल मीटिंग में वैश्विक कंपनियों के 40 और भारत के 20 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, डावोस में भारत के विकास की कहानी बताते और भारत में वैश्विक व्यापार के लिए मौजूदा अवसरों की चर्चा करते श्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक में शिरकत करने के लिए डावोस पहुंचे हैं। पीएम ने विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक से स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात की और उनसे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने एक ट्वीट कर कहा, दावोस पहुंचने पर मैंने स्विस कन्फेडरेशन के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से बातचीत की। हमने द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की है, इसे और मजबूत बनाने की बात की है। बर्सेट ने कहा है कि यह चर्चा दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों की मुलाकात दर्शाती है। मोदी का आभार जताते हुए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो भारत के साथ संबंध और मजबूत करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा, बर्फबारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विस राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।